नाश्ता खिलाई, नाश्ता खिलाई चाहिए जीजू जी से। छोड़ गए, तुम्हें बताया नहीं मैं किधर जा रहा हूँ? इंकी पिंकी पोंकी गोडा फड़ाई होगी, कान फड़ाई भी करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। वेलकम टू शादी वाला घर, बल्कि शादी तो अब ख़त्म हो चुकी है। आप सबकी दुआओं से सारे फंक्शंस बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म हुए, हैप्पी एंडिंग हो गई। और अब मेरी जो सिस्टर है और जो मेरे जीजू जी हैं वो यहाँ पे रहने आए हैं एक दिन के लिए, तो मैंने सोचा आज उनकी ये साली उनके लिए बनाएंगे एक स्पेशल टाइप का नाश्ता, टाइप का नहीं स्पेशल नाश्ता। उनकी फरमाइश है कि भाई हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं खाना, तो कुछ लाइट लाइट सा हो। तो अब हम देखते हैं स्पेशल साली के हाथ का नाश्ता तैयार होने लगा है, बल्कि बहन के हाथ का नाश्ता, तो ये बहन के हाथ का नाश्ता तैयार होने लगा है और मैं आपको नाश्ते में क्या बनाने लगी हूँ वो दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे अब्बा स्पेशली यहाँ पे फ्रूट शूट लेके आए हैं, यहाँ पे मौसमी रखे हैं, और आज हम लोग बनाने लगे हैं स्पेशल फ्रेश मौसमी का जूस। और आपको नहीं पता आज इस नाश्ते में हम ये भी करेंगे, अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, ये भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्पेशल नाश्ता रेडी करते हैं जिसका आप वेट करिए। ओके गाइस, तो आपकी की पुरजोर फरमाइश पे अम्मा के हाथ का ना साग, हम साथ में फ्रेंच टोस्ट रखेंगे क्योंकि उसने स्पेशल वाली। ये तो आपकी के बंदे की फरमाइश पे कुछ भी नहीं, आपने भी खुद ही कहा है कि थोड़ा थोड़ा मतलब नॉर्मल खाना। नॉर्मल क्या खाना, नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन मेरी भी कोई फरमाइश। आप बताएं आप क्या खाएंगे, जो अभी आप प्यार से बनाओगे। नहीं नहीं नहीं, अब तो फरमाइश बतानी पड़ेगी क्योंकि फिर हमारी भी कुछ फरमाइश है। मैं आंटी का साग खाऊंगा, मेरा बड़ा दिल चाह रहा साग खाने का। ठीक है डन, वो तो ऑलरेडी बना रही है, लेकिन वाह भाई वाह, फुल मामा का साग ऐसे नहीं मिलेगा फिर। पैसे मिलेंगे जी आंटी, आप ही पैसे लेके देंगी साग है। अरे मामा को नहीं चाहिए, हमें चाहिए। ये अब ये वो होने लगी, नाश्ता पिलाई, नाश्ता खिलाई, नाश्ता खिलाई चाहिए जीजू जी से। चलो यार नाश्ता खिलाई भी कर लेंगे अब, ठीक है डन डन डन। फ्रेंच टोस्ट चलेंगे, कुछ मीठा साथ में, परफेक्ट डन डन। मैं लेके आ रही हूँ ऊपर, आराम से रिलैक्स करें, हम लोग आ रहे हैं। ओके ओके, ये प्रोटोकॉल बाद में मिलेगा कि नहीं? ये जब तक खिलाई मिलती रहेगी। तो भाई ये स्पेशल साग मेरी अम्मा ने बना के रखा है, तो ये इतना जमी वाला तड़का लगाने लगे हैं। और हम यहाँ पे कुछ अंडे हैं वो बॉईल कर लेते हैं और कुछ साथ में फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं बनाने लगी हूँ फ्रेश होममेड वाला जूस इनका, तो पहले हम इनको वॉश करेंगे। वैसे हम मैं बाहर से भी खाना मंगवा सकते थे गाइस, लेकिन जो घर के खाने की बात होती है ना वो बाहर के खाने में नहीं होती। मुझे लगता है कि घर का खाना ना स्पेशल दिल से बनता है। तो पहले हम लोग जूस वगैरह बनाएंगे, इसको कट करेंगे, इसको पहले वॉश करते हैं। और आप में से किस किस ने नाश्ता करना है हिरा के हाथ का, डू कमेंट बिलो। मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ जिसमें सिर्फ एक ही मेन्यू पर डिश होगी, वो है मेरी अम्मा का साग, और पीने में होगा ये। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बताएं। तो अब हम लोग कट कर रहे हैं ये चीज़ें, बाजार वाले भी आते हैं कैसे ही बनाते हैं, इसमें मेरे हाथ थकने वाले हैं, कोई बात नहीं। और आज का वैसे मेरा एक रूल है कि मैं अपने जीजा जी से कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगूंगी, खाना दूंगी, अपनी बहन से कहूंगी कि जो तुम्हारा दिल करता है तुम खुल के दे दो, कोई वो नहीं है 50 लाख 10 लाख 5,000 आप लोग 2 रुपये भी दोगे ना आई विल एक्सेप्ट, बिकॉज ये मैं एज अ शवल लूँगी। मेरा दिल करे कोई मेरे लिए भी ऐसे ही फ्रेश जूस निकाल के मुझे दे। मम्मा आप ही के साथ मेरे लिए भी पराठा बना देना, मैंने भी नाश्ता नहीं किया। अच्छा अभी तुम्हें मना किया था ना नीचे नहीं आना। आई मैं तुम्हें नहीं देख रही, उधर मुंह करो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार, मैं देख ही नहीं रही हूँ। नहीं दे, अच्छा व्लॉग हो रहा है तुम्हारा और तुम नहीं देख रही हो, कैमरे में देख रही हूँ। खुशबू आ रही है, वो तो वैसे ही ला के रखे हुए। ओके गाइस, तो ये सारा मेस जो है मैंने फैलाया और यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रेश जूस रेडी हो चुका है। मुझे क्यों लग रहा है मेरी इतनी मेहनत के बाद सिर्फ एक ग्लास जूस निकला, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सिर्फ एक बंदे का निकला है, अब मैं दूसरे का भी निकालती हूँ, तब तक हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। गाइस गेस व्हाट, आज मामा ने पराठा बनाया, हल्का सा फटा है, सिर्फ हल्का सा फटा है। और ये हरी भाई का पराठा बनाया है और ये बिल्कुल नहीं फटा। और वहाँ पर हमारा जो साग है वो रेडी हो चुका है, बस अब हम आप ही कुछ जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, तो हम साथ कुछ फ्रूट्स काटेंगे, साथ में साग पराठा हो जाएगा। ओके गाइस, तो इतना ज़्यादा गंद मचाने के बाद ना मैंने ये वाला एक और जो ग्लास है ना वो प्रिपेयर कर लिया फ्रेश जूस का। बहुत मेहनत लगती है हाथों से बनाने में, बहुत ज़्यादा। इसको भी हम फ्रिज में रख देते हैं।
और गाइस ये मैंने ना ड्राई फ्रूट्स की जो ट्रे है वो रेडी कर दी है उनके पास लेके जाने के लिए। लोग ब्रेकफास्ट में इस तरह की चीज़ें भी खाते हैं तो फिर वो लोग ये भी खाएंगे। अब हम इस ट्रे में ना अपने जूसेस वगैरह ऐड करेंगे, पराठे रखते हैं, मम्मा का साग रखते हैं, जो एग बॉईल किए हैं वो रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हम ना दोनों ग्लासेस निकाल रहे हैं जहाँ पे हमने बॉयल्ड एग्स रख लिए हैं। अब जो हम लोगों को बोला गया था फ्रेंच टोस्ट का वो उन्होंने मना कर दिया कि हमें फ्रेंच टोस्ट नहीं, हमें सिर्फ मावा का पराठा साग खाना है। तो भाई हम उनके ताबेदार और हम सिर्फ पराठा साग उनको अभी बना के देने लगे क्योंकि उन्होंने बोला है, और साथ में हमें फ्रूट्स रखने हैं। तो गाइस पराठे भी बन चुके हैं, हमने फ्रूट्स भी रख लिए हैं और ये स्पेशल देसी घी वाला मेरी अम्मा का साग, और ये बिलीव नहीं उनसे ज़्यादा मेरे मुँह में पानी आ रहा है। हम इसको इधर रखेंगे साग को, और हाँ एक और चीज़ करेंगे कि दोनों ने एक दूसरे को खिलाना है अपने हाथ से ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमारे घर में एज सच दोनों एक साथ पहली दफ़ा रुक रहे हैं तो थोड़ा सा डेफिनेटली करना पड़ता है। तो हम लोग अब उनको बुला लें। अभी और क्या रहता है मामा? अचार, अचार आप ही खाती है अचार, थोड़ा सा हम अचार लेके आते हैं वो भी इधर रखते हैं, फिर हमको बुला लेते हैं। जैसा उन्होंने बोला था हमें सिंपल नाश्ता चाहिए, तो भैया हमने बहुत कोशिश की है सिंपल रख सके, इसके लिए भी उन्होंने मना किया था, इसके लिए भी मना किया था, और भी कर लिया कि भाई नहीं थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो बनती है। तो आइए हम लोग अब अचार निकालते हैं अपनी अम्मा का। यार कैसे निकालना है यार, एक तो मुझसे ना कोई काम नहीं होता, मैं क्या करूँगी, मैं अचार को कैसे निकालूँ, ऐसे निकाले इतना गंद मचा दिया है, ये साफ भी करना है। मैंने बिलीव भी मैंने खुद नाश्ता नहीं किया अभी, और इनका नाश्ता की टेबल रेडी करते करते ना मेरे अपने मुंह में पानी आ रहा है। तो गाइस ये मेरी अम्मा का ये भी फ्रेशली होममेड अचार है जो मैंने निकाल लिया है, और हम इसको भी इधर रख देते हैं। तो भाई स्पेशली जो है ना हम लोगों ने नाश्ता जो है इस तरह से सर्व कर लिया है, इधर रख देते हैं, हमने उनको बुला लिया है। आप ही आ जाओ, मुझे ना इतनी मेहनत के बदले ना नाश्ता खिलाई चाहिए। यहाँ पर हमने गरम गरम पराठे रख दिए, यहाँ भी मामा ने फ्रेश बनाए हैं, साथ में हम ये ड्राई फ्रूट्स की रोटी रख देते हैं। डैडी वांट्स द डोंकी, डोंकी डाइज, डैडी क्राइज, अपना वॉलेट साथ लेके आइएगा। नाश्ता खिलाई करनी है, मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें मारूंगी पकड़ के, कितने वॉलेट साथ लेके। ये तो देखो ये अंडे तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं अपने हाथों से जो है वो। वाह भाई वाह, टेबल से जाइए, ड्राई फ्रूट्स, साग, मम्मी यार मम्मा ने पराठे बनाया मुर्ख ने, मुर्ख ने तो पता तुम्हारा पराठा हल्का सा फटा है, फटा ना आज, फटा ना, क्या कहे मम्मी नाश्ता, मम्मी नाश्ता, मम्मी नाश्ता, बाकी बहनों को भी नाश्ता ला के जो बड़ी बहन ना घर की अब वो सारा संभाल रही है। आज की मेरी डिमांड अरीक भाई से नहीं है, आज की मेरी डिमांड मेरी अपनी बहन से है। आज की मेरी डिमांड मेरी बहन से है। इधर रखो भाई, इधर इधर पैसा नहीं दूंगा। I want to try. ओके तुम्हें मैं दूंगी, ठीक है बस। दूंगी क्या, दो अभी दो पैसे, दो फिक्स करो, पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ। नहीं एक बात बता दो कि ये फिक्स है, वो देगी क्रम बस जान ना। आज बता दो कि बोलो 40 लाख यार क्या है, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया यार। अरे यार कुछ भी, 2 रुपए भी दोगी आई विल एक्सेप्ट, बट देने चलो 10,000 देने, 10,000 दे।
जो भी हो अम्मा का साग तो कोई मेरी माँ के साग का कोई काला नहीं वो मिलेगा बाइक पे आपकी की बारी मम्मी आ रही है जिसमें डैडी वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव अभी नहीं लग रही तो अभी तुम लग रहे हो इंकी पिंकी पोंकी ठीक है किधर गए छोड़ गए हाँ कोई मजदूर आ जाएगा जी बाजी बुलाया तुसी तुम्हें बताया नहीं मैं किधर जा रहा हूँ तो ऐसा पता क्या हुआ आपकी इंकी पिंकी पोंकी आ हा हा धूम मचा ले धूम मचा ले धूम टडम टडम जल्दी जल्दी वापस आना ठीक है डन फिर इसके इन-लॉज ने लेने आना तो फिर हमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ना माइके वाला ने उनके माइके हाँ ठीक है मैंने कहा हम इसके इन-लॉज ने डन डन बाय थैंक यू अल्लाह हाफिज तो भाई काफ़ी टाइम गुजर गया है और ना मुझे अभी बेल की आवाज़ सुनाई दी है मुझे लगा नीचे आप ही आ गई है और उसको उसके इन लॉज लेने आए हैं और ज़ैनब आज मेरी हेल्प कराएगी उनके लिए चाय वगैरह बनाने के लिए व्हाट यस व्हाट यस नो ऐसे काम नहीं करता है मुझे प्यार होता है क्योंकि वो लोग आए हैं तो प्यारी लगना चाहिए आज ज़ैनब मेरी हेल्प करवाने वाली है वरना ज़ैनब को मैं बहन के ओहदे से बर्खास्त करने वाली हूँ ओके गाइस तो यहाँ पे मेरी बहन और मेरे जीजा जी जो है वो आ चुके हैं एंड हियर इज हर फाइनल लुक पूछो तैयार क्यों नहीं हुई आप रेडी क्यों नहीं आप सो भी ऐसे इंतजार किए से तैयार नहीं हुआ 4 घंटे से मुझे बाहर खड़े रखा है सैलून के 4 घंटे जाके रेडी होके आ जाते ये तो इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बहन पे आपने खुद कहा चलो मैं 4 घंटे इंतजार कर लेता हूँ 1-2 घंटे में हो जाएगी मैं गाड़ी में सो गया था सैलून की लड़की जल्दी आती भाई बिल्कुल भी नहीं वैसे इंतजार करने वाला बंदा हर किसी को मिले क्योंकि हर कोई इंतजार नहीं करता गाड़ी में 4 घंटे कभी इधर हो रही है कभी इधर ये 4 घंटे वेट करने वाला आमीन सबको मिले आमीन आमीन और 4 घंटे वेट करवाने वाली बीवी किस किस को मिले वो कमेंट में बताइए मेरे जैसे अच्छी बीवी सबको मिले तो भाई आप ही के इन-लॉज आ चुके हैं और अब हम लोग चाय वगैरह बनाने लगे हैं फटाफट से गाइस ओके तो हीरू जी काम कर रही है तो भाई आज हमारी जो मेड थी ना वो जल्दी चली गई थी तो भाई ये धोने वाली थी तो मैंने कहा भाई फटाफट अब उनसे चिंगम खाता चिंगम और ज़ैनब को सिर्फ मैंने कहा काम करवा दो कहती है नहीं मैंने कहा चलो कोई काम नहीं कराना यार ज़ैनब ऐसे पे काम करना सूट नहीं करता सिर्फ वो एंजॉय करती है और काम करो बाहर देखो कितने लोग हैं बाहर काफी ज्यादा लोग हैं 1-2-3-4-5 फिर आप ही 1-2-3 पूरे करके बताओ कितने हैं अगर हम काउंट करते हैं एक है 1-2-3-4 1-2-3-4 ओके तो हीरापी ने ये भी सजा दिया ये भी सजा दिया ये भी सजा दिया और अब चाय बना लिया हीरापी बिल्कुल घरेलू लड़की होती है ना वो वो मैक्रोनी रोज रखे है ना उधर लेके आओ मैंने वो 1 मिनट के लिए रखे क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे फ्राई होते हैं एक दिन हीरापी को भी माइक्रोवेवन में रखकर ना मैंने फ्राई कर देना ठीक है और फिर जब मैं बाहर निकलूंगी ना तो मैं तुम्हें रोस्ट कर इसको मैंने सेट करके रखना है यहाँ पे और वो बॉक्स में ज्यादा अच्छे लग रहे नहीं ऐसा लग रहा है जी वो घिसे पिट्ठे से लग रहा है रख देना अच्छे से तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं फुल वो जो होती है ना हलवाइयों वाली चाय मैंने वो रेडी कर ली अब बाहर से ज़ैनब जो है वो ये बस दिखा रही है कैसी हलवाइयों वाली बना रही है नहीं तो टेस्ट में वैसी होगी पानी वाली तो नहीं बनाई आज नहीं तो हीरापी रोज डायरेक्ट दूध पत्ती बनाई है मैंने तो ज्यादा शौकीन ना हो जाते पानी वाली बनाती है चाय वो मैं अपने लिए बनाती हूँ थोड़ी पतली पतली और पीती भी नहीं है बाद में गाइस बना के ये जनरल ये उबल जाएगी इसको पकड़ो जरा बाहर से 8 कप ट्रे में डाल के ला के दो जल्दी पहले ही आपने बोला फरूज ला के दो
अब बोल दिया 8 कप ला कर दो, फिर बोलती है फोन ला कर दो, मैं क्या क्या काम करूँ? पहले कप ला के दो राबी, मैं चाय डालूंगी हर एक कप में। ओके गाइस, तो मैंने जो रोल है वो बना ली है, अब ज़ैनब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रही हूँ। चाय कप्स में डालो इसमें, हाँ, इसके बाद इसकी ना ट्रे चेंज करनी है। यस सर, लग जाओ जिम्मेदारी पे। चलो मैं डालती हूँ चाय। और कुछ चाय जा रही है, हीरा आपी और मैंने बनाई है ये। काफी अच्छी चाय बना लेती हूँ। सारा दिन सोती रही सारा दिन, और अब क्या सर्व करने आई है? मिठाई, जो कि वो ही लाए हैं। खाके इसने कष्ट किया कि मैं आगे दूँ। कहा कि भाई मैं भी बहन हूँ, मैं भी एक कुछ हक रखती हूँ। मैंने कहा लेकिन यहाँ से इसको 10,000 नहीं मिलना। हाँ, सुबह ले मिला था, मेरी तरफ से मेरी बहन को मिला था, जिसने मेरा नाम फातिमा ने मिस कर दिया 10,000। तो मैं तुम्हें दुरुस्तर ने अटैक किया। क्या सारू कहीं पे 10,000 दिया था, गलती से चुराया था। मैंने बनाया और मैंने फिर कहा मेरी बहन से लेना, अरे भाई से तो काफी ले लिया ना। लेकिन अब बहन की बारी है। अच्छा अच्छा, पहले इधर से, तो फिर मुझे अरे भाई से लेना चाहिए था। जब जब नाश्ता करने आएगा इधर, तब तब गोडा फड़ाई होगी, कान फड़ाई भी करो। अभी हमने छोड़ने नहीं है। गाइस, तो अब ये जो है जा रही है, सबको बाय बाय कर रही है। ओके बाय, बज रही हूँ मैं। नहीं बाबा, तुम करिए, पापा यही कर रहे हैं। पापा कर रहे हैं मुझे, मैं आपको करूँ। ओके गाइस, तो हम लोगों ने आपी को टाटा बाय बाय कह दिया है, वो अपने घर चली गई है। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा था, कुछ पैसे बटोरे हमने, कुछ इन्जॉय किया और बहुत मज़ा आया। और इन सब के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने का टाइम हो रहा है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। प्लस आप लोगों ने जितना ज़्यादा प्यार दिया, आई कांट इवन टेल यू गाइज, थैंक यू सो मच। बाय बाय।